उनकी मूल मांगे थे। इस मौके पर एमओयू डिमांड कमेटी के चेयरमैन ताबा तेची ने भीड़ को संबोधित किया। इसी बीच निपको के प्लान इन इंचार्ज विजित गोस्वामी ने भीड़ से बात की और आश्वासन दिया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े सभी रिपोर्ट्स और मेमोरेंडा किलोंग के हेड ऑफिस भेज दिए गए हैं और इस मामले पर चर्चा चल रही है और भविष्य में इसका परिणाम निकल आएगा। एमओयू बनाना है। जितना तक निपको हम लोग को जितना उस समय में 70s 80s में हम लोग का फादर लोग का ग्रैंड फादर लोग का उसको जितना तक हम जानता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा बोला 405 मेगावाट का एरिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री स्कूल फ्री मेडिकल आपका फ्री रोड और ये जितना रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पूरा देगा बोल के वादा किया है लेकिन वो सिर्फ मुंह में वादा करके